अब 4.6 जो है उसका 15 तक का सवाल आप लोगों को दिया था करने के लिए, सॉल्व कर लिए हैं। और क्वेश्चन नंबर 16 है, अब क्वेश्चन नंबर 16 आपका क्या है, अब इसमें 16वें में समीकरण बना के फिर हल करना है। देखना सवाल लिखा गया है, 4 किलोग्राम प्याज, 3 किलोग्राम गेहूं और 2 किलोग्राम चावल का मूल्य 60 रुपया है। फिर 2 किलोग्राम प्याज, 4 किलोग्राम गेहूं और 6 किलोग्राम चावल का मूल्य 90 रुपया है। फिर 6 किलोग्राम प्याज, 2 किलोग्राम गेहूं और 3 किलोग्राम चावल का मूल्य 70 रुपया है। तो आव्यूहित से प्रति किलोग्राम प्रत्येक का मूल्य ज्ञात करना है। मतलब प्रति किलोग्राम का मतलब 1 किलो प्याज का मूल्य कितना है, 1 किलो गेहूं का मूल्य कितना है और 1 किलो चावल का मूल्य कितना है। यहाँ पर मान लिया, माना 1 किलोग्राम प्याज का मूल्य X रुपया, 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य Y रुपया तथा 1 किलोग्राम चावल का मूल्य Z रुपया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखना तीन समीकरण अपने को बनाना है। तो प्रथम शर्तानुसार अब देखना, 4 किलोग्राम प्याज, 3 किलोग्राम गेहूं और 2 किलोग्राम चावल का मूल्य 60 रुपया है। अब प्याज का एक्स माना हूं, गेहूं का वाई माना हूं, चावल का जेड माना हूं, तो 4x+3y+2z=60। देखना पहला समीकरण आपका है 4x+3y+2z=60। अब द्वितीय शर्तानुसार अब देखना, 2 किलोग्राम प्याज, 4 किलोग्राम गेहूं और 6 किलोग्राम चावल का मूल्य 90 रुपया है। देखना द्वितीय शर्त अनुसार, अब दूसरी शर्त देखना यहाँ सवाल में क्या है, 2 किलोग्राम प्याज, 4 किलोग्राम गेहूं और 6 किलोग्राम चावल का मूल्य 90 रुपया। तब देखना अपने प्याज का एक्स माने हैं, गेहूं का वाई माने हैं, चावल का जेड माने हैं, इसका मतलब 2x+4y+6z=90। देखो वही लिखा हूँ, 2x+4y+6z=90। ये पूरा समीकरण 2 से कट रहा है तो 2 से काट देंगे, यहाँ पर x+2y+3z=45 से समीकरण नंबर 2 हो गया। अब तृतीय शर्त अनुसार, अब तीसरी शर्त क्या है, 6 किलोग्राम प्याज, 2 किलोग्राम गेहूं और 3 किलोग्राम चावल का मूल्य 70 रुपया है। इसका मतलब 6 किलोग्राम प्याज मतलब 6x+2y+3z=70। तो वही देखो लिखा है 6x+2y+3z=70 समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब ये तीन समीकरण जब बन गए तब ए, अब ए का मतलब आपका देखना तीनों समीकरण व्यापक स्वरूप में है। अब ए का मतलब यक्स का गुणांक, वाई का गुणांक, जेड का गुणांक करके लिखा जाता है। तो ए का मतलब देखना क्या आएगा, 4, 1, 6, 3, 2, 2, 2, 3, 3। तो ये देखना 4, 1, 6, 3, 2, 2, 2, 3, 3। अब यहाँ यक्स का मतलब एक्स वाई जेड और बी का मतलब जो अचर पद होता है 60, 45, 70। ठीक है, यहाँ ए एक्स और बी निकाल दिया। अब सबसे पहले हम लोग आव्यूह की विधि से हल करना है तो डिटरमिनेंट ए निकालेंगे, तो डिटरमिनेंट ए इसको डिटरमिनेंट में लिख दिया। अब यहाँ पर देखा 4 लिख दिया, अब पंक्ति और स्तंभ को जमबंद करेंगे, 3 दूनी 6, 2 3 6, 6 -6। तो उसके बाद माइनस का 3 लिख दिया, अब इसको और इसको जब बंद करेंगे देखना ये बंद होगा, ये बंद होगा, 3 एकम 3 -6 3 18। फिर उसके बाद प्लस का 2 लिख दिया, अब इसको बंद करेंगे, 2 एकम 2 -6 दूनी आपका 12। अब यहाँ देखना ये तो 0 हो जाएगा, 6 -6 0 * 4 = 0। यहाँ माइनस का 3 लिख दिया घटाने पर -15, यहाँ प्लस का 2 लिख दिया घटाने पर -10। यहाँ पर देखना ये 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 * 3 = 45 और यहाँ पर माइनस का 10 * 2 = 20, यहाँ 45 में से 20 घटेगा 25 जो 0 के बराबर नहीं है। तो आप कहेंगे ए इनवर्स का अस्तित्व है। अब जब ए इनवर्स का अस्तित्व है, ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स निकालने के पहले हमको एडजॉइंट ए निकालना होगा। तो एडजॉइंट ए के लिए A11, A12, A13 इन सब की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले A11, अब ये प्लस से शुरू होगा A11। अब A11 का मतलब पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को बंद करेंगे। जब पहली पंक्ति पहले स्तंभ को बंद करेंगे तो यहाँ 4 संख्याएं कौन कौन बचेंगी, 2, 2, 3, 3। तिरछा गुणा करेंगे, 2 * 3 = 6 - 2 * 6 = 6, वही 6 - 6 = 0। अब A11 प्लस में था, अब A12 माइनस में होगा, आगे माइनस का चिन्ह लिख दिया, फिर ब्रेकर बना दिया। अब A12 का मतलब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, यहाँ पर 4 संख्याएं कौन कौन सी बची, 1, 6, 3, 3। तो तिरछा गुणा करेंगे, 3 एकम 3 - 6 * 18, तो वही 3 - 18। यहाँ ब्रेकेट में माइनस का 15 आएगा और आगे माइनस है, माइनस माइनस प्लस का 15 हो गया। अब A13 प्लस में रहेगा, क्योंकि ये माइनस में था, ये प्लस होगा। तो A13 का मतलब पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो ये पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ बंद करेंगे तो 4 संख्याएं कौन कौन, 1, 6, 2, 2। अब तिरछा गुणा करेंगे, 2 एकम 2 - 6 * 12, तो 2 एकम 2 - 12, यहाँ पर घटाने पर माइनस का 10 आ गया। अब A21 का अब देखना, ये प्लस में था तो ये माइनस में रहेगा, A21 आगे माइनस लिख दिया, ब्रेकेट बना दिया। अब A21 का मतलब दूसरी पंक्ति
और पहला स्तंभ, यहां पर देखना ये दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ बंद कर लिए, चार संख्याएं कौन कौन है, 3 2 2 3, तिरछा गुणा करेंगे 3 3 9 -2 2 4, तो वही 9 -4, यहां घटाने पर 5 आएगा लेकिन आगे माइनस का चिन्ह है तो -5 हो जाएगा। अब है A22, अब A22 अभी माइनस में था तो ये प्लस में रहेगा, ब्रेकेट बना दिया। A22 का मतलब दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो देखना ये दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ बंद किया, चार संख्याएं कौन कौन, 4 6 2 3, यहां पर 4 3 12 -6 2 12, वही 12 -12 बराबर आपका 0 आ जाएगा। अब यहां पर A23 अब ये प्लस में था तो ये माइनस में होगा तो माइनस। अब उसके बाद देखना दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, ये दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ बंद करेंगे तो 4 3 6 2 बचेगा, तिरछा गुणा करेंगे 4 2 8 -6 3 18, यहां पर घटाने पर देखना माइनस का 10 आएगा, आगे माइनस का चिन्ह है तो माइनस माइनस प्लस का 10 हो जाएगा। फिर उसके बाद A31 अब ये माइनस में था ये प्लस में रहेगा, यहां देखो प्लस ब्रैकेट बना दिया। अब A31 का मतलब तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ बंद करेंगे, चार संख्याएं कौन कौन होंगी, 3 2 2 3, तिरछा गुणा करेंगे 3 3 9 -2 2 4, वही 9 -4 बराबर आपका 5 आ जाएगा। अब उसके बाद है आपका A32, अब A32 अब देखना ये प्लस में था तो ये माइनस में आएगा, इसका मतलब तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो देखना ये तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ जब बंद करेंगे तो 4 1 2 3, अब तिरछा गुणा करेंगे 4 3 12 -2 1 2, 12 - 2 यहां 10 आएगा लेकिन आगे माइनस का चिन्ह है तो माइनस का 10 हो जाएगा। अब A33 ये माइनस में था ये प्लस में होगा, अब तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो ये तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ बंद करेंगे, चार संख्याएं कौन कौन सी बची, 4 1 3 2, तिरछा गुणा करेंगे 4 2 8 -3 1 3, यहां 8 - 3 बराबर आपका 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद अब लिखेंगे एडजॉइंट ए, अब एडजॉइंट ए में आप लोगों को बताया था A11 A12 A13 का मान यू नहीं लिखना है, यू लिखते हुए आपको जाना है। A11 का मान देखना 0, देखना यू लिखेंगे तो देखना 0 15 -10, 0 15 - 10, फिर उसके बाद देखना -5 0 10, तो -5 0 10, फिर उसके बाद 5 - 10 5, 5 - 10 5, ये एडजॉइंट ए हो गया। अब ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए बटे डिटरमिनेंट ए, यहाँ डिटरमिनेंट ए का मान कितना है 25 है, तो वही आगे देखो ए इनवर्स बराबर 1/25 लिख दिया इनटू एडजॉइंट ए का जो ये मान था पूरा का पूरा वहां लिख दिया, 0 15 - 10 -5 0 10, 5 - 10 5, ठीक है। अब उसके बाद समीकरण हल करने के लिए सूत्र होता है x बराबर a इनवर्स इनटू b, तो x का मतलब xyz, a इनवर्स का मतलब 1/25 और ये पूरा जो ब्रैकेट है पूरा ब्रैकेट लिख दिया इनटू b। अब b का मतलब देखो यहां पर है 60 45 70, तो ये 60 45 70, ठीक है। अब ये xyz जैसे था वैसे के वैसे लिख दिया, बराबर वैसे के वैसे लिख दिया, 1/25 वैसे के वैसे लिख दिया। अब पंक्ति का स्तंभ में करेंगे तो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा करेंगे, 0 × 60 = 0, -5 × 45 - का 225, फिर 5 × 70 = 350, यहां प्लस का 350। अब दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में करेंगे तो 15 × 60 = 900, फिर 0 × 45 = 0, -10 × 70 = -700, फिर उसके बाद तीसरी पंक्ति का स्तंभ में गुणा करेंगे तो -10 × 60 = -600, फिर 10 × 45 = 450, 5 × 70 = +350। अब यहां पर एक्स वाई जेड जैसे था फिर वैसे लिख दिया, 1/25 फिर वैसे लिख दिया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 125 आया, यहां 900 में से 700 घटेगा तो 200 आएगा, अब यहां 450 350 जब जोड़ेंगे तो आपका आएगा 800, अब 800 में से 600 घटेगा 200 आएगा। अब यहां पर देखना 1/25 है तो इसका मतलब 25 से तीनों में भाग देना है, 125 में जब 25 का भाग देंगे 5 आएगा, 200 में 25 का भाग देंगे 8 आएगा, 200 में 25 का भाग देंगे 8 आएगा, इसका मतलब एक्स वाई जेड बराबर 5 8 8। अब तुलना करने पर x बराबर 5, y बराबर 8, z बराबर 8, तब आप कह देंगे अब x प्याज के लिए माना था अतः 1 किलोग्राम प्याज का मूल्य 5 रुपया, और y अपने गेहूं के लिए माना था 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 8 रुपया, और z अपने चावल के लिए माना था 1 किलोग्राम चावल का मूल्य 8 रुपया है, इसका मतलब गेहूं का भी 8 रुपया है, चावल का भी 8 रुपया, और प्याज का कितना है 5 रुपया। इस तरह से पूरा सॉल्व करना है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, मोस्ट आईएमपी सवाल है, 4 नंबर में बोर्ड के एग्जाम में इस मेथड का सवाल पूछा जाता है, ठीक है। अब यहां पर देखना ध्यान से, अब उदाहरण नंबर 29 है इसी मेथड का, ध्यान देना यहां पर भी समीकरण बना के फिर हल करना है, यहां समीकरण बना तक मैं किया हूं उसके बाद आप लोगों को हल करना रहेगा उसके लिए छोड़ दिया हूं। यहां पर देखना 3 संख्याओं का योग 6 है, फिर उसके बाद कह रहे हैं कि यदि हम तीसरी संख्या को उसे तीसरी संख्या को 3 से गुणा करके तीसरी संख्या को 3 से गुणा करके दूसरी संख्या जोड़ दें तो 11 मिलता है,
अब पहली और तीसरी को जोड़ने पर हमें दूसरी संख्या का 2 गुना प्राप्त होता है। तो आप भी उपविद से वे संख्याएं ज्ञात करो। यहां पर देखो मैं क्या किया, माना पहली संख्या x, दूसरी संख्या y तथा तीसरी संख्या z है। अब यहां लिखेंगे पहली शर्त, 3 समीकरण बनाना है तो प्रथम शर्तानुसार 3 संख्याओं का योग 6 है। यहां 3 संख्याएं कौन कौन माना हूं, एक्स वाई जेड, तो इनका जोड़ मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6, समीकरण नंबर 1। अब है द्वितीय शर्तानुसार, अब उसके बाद देखना आगे पढ़ेंगे। द्वितीय शर्तानुसार यहां पर देखना, यदि हम तीसरी संख्या को 3 से गुणा करके, अब यहां तीसरी संख्या कौन है, जेड है, अब जेड में 3 का गुणा करेंगे 3 जेड, तीसरी संख्या को 3 से गुणा करके दूसरी संख्या जोड़ दे, अब दूसरी संख्या क्या है, वाई, तो 3 जेड प्लस वाई बराबर आपका कितना मिलता है, 11, 11 लिख दिया। अब यहां पर देखना यक्स का टर्म नहीं है, तो यहां पर 0 × x प्लस वाई प्लस 3 जेड बराबर 11, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब तृतीय शर्तानुसार, अब तृतीय शर्तानुसार इसके बाद जाएंगे, पहली और तीसरी को जोड़ने से, मतलब पहली संख्या और तीसरी संख्या को जोड़ दे, तो पहली संख्या क्या है एक्स, तीसरी संख्या क्या है जेड, तो वही एक्स प्लस जेड, तो हमें दूसरी संख्या का 2 गुना प्राप्त होता है। दूसरी संख्या वाई है तो उसका 2 गुना 2y, तो वही एक्स प्लस जेड बराबर 2y। अब y का टर्म इधर लाएंगे, व्यापक स्वरूप में लिखना होगा, एक्स माइनस 2y प्लस जेड बराबर आपका 0, समीकरण नंबर 3 हो गया। अब यहाँ a, अब a का मतलब x y z के गुणांक, तो a का मतलब देखना, x का गुणांक यहाँ क्या है 1 0 1, अब यहाँ पर 1 1 और -2, फिर उसके बाद 1 3 और 1, इस तरह से a का मान हो गया, x का मतलब x y z होगा, और b का मतलब जो अचर पद होंगे 6 11 और 0। अब यहाँ पर a x और b है, अब बाकी समीकरण कैसे हल करके x y z का मान निकालेंगे आप लोगों को आता है। अब देखना इसी मेथड का एक सवाल नंबर 28 है, उदाहरण नंबर 28 है, यहाँ 3 समीकरण दिए गए हैं, तो 3x - 2y प्लस 3z बराबर 8, 2x प्लस y माइनस का z बराबर 1, और 4x माइनस का 3y प्लस का 2z बराबर 4। अब इसका हल आप भी उपयोग की विधि से ज्ञात करना है, तो तीनों समीकरण ऐसे क्रम से लिख लेना, फिर a लिख लेना, x लिख लेना, b लिख लेना, फिर आप भी उपयोग की विधि से कैसे हल करते हैं, एडजॉइंट a निकालना है, a इनवर्स निकाल के पूरा सॉल्व करना। ओके,